भगवान श्री भोलेनाथ जी का पूरा आप कैलाश देख लो, पूरे कैलाश में सब जितने भी मेंबर्स रहते हैं ना, फैमिली मेंबर्स, सब एक दूसरे के विरोधी हैं। गले में सर्प है, कार्तिकेय का वाहन है मोर, मोर और सर्प की कभी बनती नहीं, लेकिन दोनों संग में साथ रह रहे हैं। सर्प की और चूहे की कभी बनती नहीं, मूसक की, लेकिन वो साथ रह रहे। सिंह और बैल की कभी बन, सिंह इतना हिंसक प्राणी वो छोड़े किसी को, लेकिन पतंजलि, महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है अहिंसा प्रतिष्ठायाम, वो कैलाश में जाकर के एकदम प्रमाणित हो गए कि अहिंसक हो जाता है जो भगवत भक्त होता है। तो ऐसे परम भक्त भगवान के मित्र श्री भोलेनाथ जी भगवान का दर्शन करने पधारे। कथा में अभी उसको पूरे विस्तार से नहीं कहूंगी, क्योंकि आपने कई बार सुनी भी है, मैंने भी जहाँ तक मुझे याद है पहले भी कथा में सुनाई है, तो संक्षेप में सुनेंगे। भोलेनाथ जी आए, मैया से निवेदन किया, मैया ने दर्शन नहीं किया कराया, तो अंत में भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ जी से मिलने के लिए एक नाटक चालू किया। और नाटक क्या था, क्या था? रोना, रुदन किया, रोने लगे। अंत में उस बालक के रोने को बाला नाम रोदनम बलम, बालक के रोने में सबसे ज्यादा बल होता है। तो मैया आखिरकार हार के लाला को लेकर के आई, भोलेनाथ जी को दर्शन कराया, और भोलेनाथ जी सदा सदा के लिए ब्रज में रह करके वहीं वास करने लगे। आज भी आप हमारे ब्रज में आओगे ना, तो ब्रज के चार कोने पर श्री भोलेनाथ जी विराजमान है। मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चक्रेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगांव में आसेश्वर, और एक बड़ा सुंदर वन है काम्य वन, वहां पर कामेश्वर महादेव के रूप में भोलेनाथ जी विराजमान। यानी सारे ब्रज की जो सिक्योरिटी है वो भोलेनाथ जी के हाथ में, वो रक्षा करने के लिए ब्रज में बैठे कि मैं इस ब्रज का कोई बाल बांका नहीं होने। और भोलेनाथ जी नहीं, ब्रज में जितने भी देवता, लक्ष्मी जी का वास है ब्रज में, एक बेल वन है वहां पर लक्ष्मी रहती है, शनि देवता विराजमान है कोकिला वन में, भगवान केदार विराजमान है, भगवान बद्रीनाथ विराजमान है, यानी जितने भारत के तीर्थ हैं सब ब्रज में विराजमान है। कोई ब्रज के केदारनाथ बद्रीनाथ में आप में से गया है? एकाद गए तो जो गए उन्होंने देखा होगा कि भारत में जितने तीर्थ है ना, सब ठाकुर जी ने ब्रज में सब अलग अलग जगह पर स्थापित किए हुए हैं, सारे ब्रज में सब तीर्थ है। तो भोलेनाथ जी वही सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो गए। इसके बाद दर्शन करके कैलाश वापस गए।